आजाद समाज पार्टी काशीराम आंवला 124 लोक प्रत्याशी पवन सागर में कराया नामांकन। शुक्रवार को नामांकन के आखिरी दिन बरेली कलेक्टरेट कार्यालय पर आजाद समाज पार्टी काशीराम के पवन सागर ने किया पर्चा दाखिल। विकेटिंग सीओ द्वारा आजाद समाज पार्टी के समर्थकों को रोक दिया गया, जिसका उन्होंने जताया विरोध। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा को लेकर लड़ेंगे चुनाव और बताया फोटो ले। क्या नाम भैया आपका? पवन सागर। किस पार्टी से हैं? आजाद समाज पार्टी काशीराम। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी और जो लगातार चल रही है यहाँ पे शिक्षा पे जो बार किया जा रहा है उस पर बात करना, और जो अभी तक आंवला में जो विकास नहीं हुआ है, आंवला के साथ जो अन्य प्रत्याशियों ने जो आज तक खेला किया है उसको समाप्त करना। आप भी कहाँ से? आंवला लोकसभा से। अभी गेट पर किसी तरीके की हड़ताल हुई थी, क्या मामला था एकदम से जो? वहाँ पर मामला ये था कि मैंने दो तीन दिन से मेरे प्रतिनिधि आ रहे हैं, वो देख रहे हैं अलग अलग पार्टियों के लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर ठीक है अंदर आपकी गाइडलाइन है, पांच लोग जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक तो हमारे समर्थक आ सकते हैं, लेकिन वहाँ से सभी लोगों को रोक दिया गया, मेरे किसी समर्थक को अंदर नहीं आने दिया गया। तो ये कि ये भेदभाव है, ये क्या हो रहा है? और पार्टियों के लिए आप अंदर भेज रहे हैं, बाकी हम लोगों को वहीं रोक दिया गया। ठीक है, हमारे गेट के अंदर हम लोग पाँच लोग जाएंगे, लेकिन यहाँ तक तो हमारे समर्थक आने चाहिए। ये भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पुलिस प्रशासन ही तानाशाही इस तरीके बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए हम लोग भीम आर्मी के कार्यकर्ता और सब लोगों ने मिलकर जोर लगाया है कि हम लोग आगे आने के समय इन लोगों से कड़ा मुकाबला करेंगे, तानाशाही के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे।